नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोवरेक्स। तो आज का टॉपिक है काउंटिंग कैलोरीज। देखो, जैसे कि हम सबको पता है कि कैलोरीज हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, कैलोरीज के बिना बॉडी बनना इम्पॉसिबल सा है। तो इसलिए कैलोरीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जिम में बहुत सारे टाइप के लोग आते हैं, जैसे काफ़ी इंटेलिजेंट लोग भी आते हैं और उनके कोचेज भी होते हैं, पर वो अपने कोच को एक डाइट प्लान बनाने को बोलते हैं और कोच उनको सिंपली डाइट प्लान बना के दे देता है। तो उसके बाद कोच ने उस डाइट प्लान के ऊपर लिखा होता है कि भाई आपका पर डे 2000 कैलोरीज इनटेक है या 2500 कैलोरीज इनटेक है, पर जिस बंदे के लिए वो लिख के दे रहा है उस बंदे को आगे पता ही नहीं है कि कैलोरीज काउंट कैसे करनी है, और ना ही वो शर्म के मारे पूछता है कि कैलोरीज काउंट कैसे करनी है। भाई देखो, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, हर एक बंदे का अपना अपना फील्ड है। इसलिए जिस काम में आप माहिर हैं शायद उस काम में वो माहिर ना हो, या शायद जिस काम में वो माहिर है शायद ही उस काम में आप माहिर ना हो। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको अपने कोचेज से ले लेनी चाहिए। देखो भाई, उस टॉपिक को रखते हैं एक साइड। जो आज की मेरी वीडियो है वो है काउंटिंग कैलोरीज। ये आपकी पूरी हेल्प करेगी आपकी कैलोरीज इनटेक को मेंटेन करने में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो देखो, सिंपली मैं आपको बता दूं कि जो आपका डेली इंटेक है प्रोटीन का, वो आपको कैसे काउंट करना है। देखो, पर ग्राम आप प्रोटीन इक्वल टू 4 कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन में होती हैं 4 कैलोरीज, और सिमिलरली 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में होती हैं 4 कैलोरीज। ये ना आपको दिमाग में एक गांठ बांध के इसको फिट कर लेना है, ये आपको पूरी लाइफ काम देने वाली है ये वाली चीजें। देखो, 1 ग्राम फैट में होती हैं 9 कैलोरीज। देखो, ये जो वैल्यूज है ना, ये अभी आपको नॉर्मल लग रही हैं, पर अगर आपको आपकी बॉडी में थोड़ी भी चेंजिंग चाहिए तो ये वैल्यूज आपको अपने दिमाग में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कैलोरीज निकालना जब आपको आएगा उसके बाद ही आपका डाइट प्लान एक प्रॉपर बनेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप अपने मील्स को अरेंज कर सकते हैं, उसके बाद ही आप अपनी कैलोरीज इनटेक को मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद ही आप अपनी कैलोरीज डेफिसिट या कैलोरीज सरप्लस में जा सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको कैलोरीज का पता नहीं होगा काउंट कैसे करनी है, तब तक तो कुछ भी पॉसिबल नहीं ना है। और हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अपने इंसुलिन लेवल को प्रॉपरली मेंटेन करें। देखो, इंसुलिन लेवल जब तक आपका मेंटेन नहीं होगा तब तक आपकी बॉडी में वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और इंसुलिन लेवल आप मेंटेन कैसे करेंगे, पर डे आपको 5 to 8 स्मॉल मील्स लेने पड़ेंगे। एक टाइम, दो टाइम या तीन टाइम खाने से कुछ नहीं होगा, आप ज़्यादा खाना खा लोगे उससे कुछ नहीं होगा, उससे यही होगा कि आपका इंसुलिन लेवल जो है वो स्पाइक करेगा। उसके स्पाइक करने से क्या होगा कि आपकी बॉडी ज़्यादा फैट अपने अंदर स्टोर करेगी। इसीलिए अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी मील्स को डिवाइड करें 5 to 8 स्मॉल मील्स, तो उससे क्या होगा, आपका इंसुलिन लेवल भी स्पाइक नहीं होगा और आपके अंदर फैट भी स्टोर नहीं होगा, और आप आराम से अपना फैट लॉस का जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखो, ऐसी वीडियोज़ मेरी आने वाली हैं और ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आपको आपकी बॉडी पे ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये वीडियोस ध्यान से सुना करें, छोटी छोटी वीडियोस हैं पर इम्पॉर्टेंट हैं। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड बाय।